तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल योयो अमरोही में। मैं फिरोज अमरोही आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कबूतरों के लिए एक ऐसा दाना जो कि सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कबूतरों के लिए। तो हम जो है दाने यहाँ पर 5-6 तरीके के यहाँ पर ले कर आ चुके हैं, तो सभी को मिक्स करके मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ और सभी के नाम यहाँ पर बताने वाला हूँ कौन कौन से दाने हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करके जाएं और लाइक कर लेना वीडियो को भाई, और लाइक करने के बाद भाई शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए ये है बाजरा, देखिए जो कि हमने धो लिया है ये बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखिए ये धुला हुआ बाजरा है, तो 5 किलो बाजरा है ये। जब हम इसको धोते हैं तो इसमें जो जितना भी ख़राब दाना होता है तो वो सभी पानी के ऊपर आ जाता है और उसको हम फेंक देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बाजरे की क्वांटिटी बता देता हूँ, 5 किलो बाजरा है। और उसके बाद है ये चना, ये देखिए ये 1 किलो चना है, चना भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे, देख सकते हैं। एक किलो चना है, और जी ये है अकला, ये 1 किलो अकला है। ये देखिए सर्दियों में बहुत ही फायदेमंद होता है अकला, ये देखिए इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जी तीसरा है इसमें मक्का, कटी हुई मक्का, ये भी सर्दियों में जैसे कबूतर ब्रीडिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा देती है कबूतरों को, बच्चों के लिए कबूतरों के। ये देखिए कटी हुई मक्का है, 1 किलो ये है। और जी नंबर 5 है इसके अंदर लेटा, ये देखिए जिसे के सरसों बोला जाता है, ये देखिए ये जिसका सरसों का तेल हम खाते हैं सब्जियों में यूज़ होता है, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। ये है 1/2 किलो, ये 1/2 किलो सरसों हो गई। और नंबर 6 है हमारे पास अलसी, ये देखिए ये देखें अलसी मात्र 250 ग्राम है इसके अंदर, ये देखें अलसी को भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, इसे बहुत शौक से कबूतर खाते हैं और फ़ायदेमंद भी बहुत होती है। अब ये सभी दाने इसके अंदर हो चुके हैं, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए और आप इसके अंदर गेहूं भी डाल सकते हैं, ये देखें ये 5-6 से 7 तरीके का दाना बन जाएगा, मतलब चना, बाजरा, कटी हुई मक्का, और जी सरसों, अकला, अलसी, और आपका गेहूं भी इसमें डालेंगे तो 7 तरीके का दाना ये हो जाएगा। ये देखें अब इसको जो है कबूतर बड़े ही शौक से खाते हैं, और सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार का दाना आप जो है खिलाएं। ये देखिए हमने अपने कबूतरों के लिए बनाया ये, और सर्दियों में इस तरह का ही दाना जो है खिलाना चाहिए कबूतरों को। ये देखिए कबूतर एकदम परफेक्ट रहते हैं इस दाने को खाने के बाद। ये काफ़ी गर्म दाना तैयार हो चुका है, और सर्दियों के हिसाब से सर्दियों में अक्सर क्या होता है कबूतर 1-2 दिन के लिए सुस्त बैठा और वो सूखे की बीमारी में आ जाता है, और फिर उसकी जो है कितनी भी दवाई कर लो वो कबूतर ठीक नहीं हो पाता, कबूतर मर ही जाता है। तो उसके लिए जो है कबूतर को सर्दियों में यही दाना खिलाना चाहिए जिससे कि बीमारियों से भी कबूतर बचा रहे और एकदम परफेक्ट रहे, और इस दाने को खाते भी कबूतर बहुत प्यार से हैं और बच्चे भी बहुत ही अच्छे से पालते हैं, और बच्चे बहुत बहुत बड़े बच्चे जो है इनसे बनते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर लें, और लाइक करने के बाद भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।